इंस्पायर्ड किया कि नहीं किया, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि स्मार्ट्स एनजीओ और कंठा एंटरटेनमेंट ने मिलकर आज मेरे बर्थडे पे इस तरीके का मेडिकल कैंप किया है। आई थिंक बहुत अच्छा मैसेज जाने वाला है बाकी जो हमारे स्टार्स हैं। पिछले साल भी एक बहुत ग्रैंड बर्थडे किया था मैंने, उसने हिस्ट्री क्रिएट की थी। मुझे लगता है कि ये ऐसी हिस्ट्री बन जाएगी, इसको एक लेवल मैंने अब सेट कर दिया है और मुझे बहुत खुशी है कि आप सब लोग आए। आप लोगों ने बहुत समय दिया इतनी बारिश में, मेरे तमाम दोस्त, मेरे सब जितने भी डॉक्टर्स की टीम है, हमारी एनजीओ की टीम है गवंडी से आई है वो स्पेशली, और भी जितने दोस्त हैं करण के और हमारे पॉलिटिकल जितने भी लोग आए हैं सबको हाथ जोड़ के थैंक यू करना चाहूँगी, क्योंकि इतनी बारिश में भी वो सब इतनी दूर से आए और मुझे समय दिया और मेरे इस कॉज को जो हमने एक इनिशिएट लिया है उसमें हमारी हेल्प की। काम की बातें यार हम करते रहते हैं, मैं चाहती हूँ कि आज काम की बात ना हो क्योंकि काम तो चलता रहता है। पिछले 8 सालों से काम ही कर रही हूँ, आप जब भी इंटरव्यू लेते हो तो काम की बात करते हो। आज काम नहीं है, आज समथिंग एल्स है, कुछ ऐसा है जिसके लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने इस तरह की चीज़ में मैंने पार्ट ली। एक्चुअली ये मेरा थॉट नहीं था और मैंने इसमें पार्ट लिया और मेरे बर्थडे के दिन अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो मुझे एक्चुअली बहुत अंदर से ना एक बहुत ही पॉजिटिव वाली फीलिंग आ रही है। ये प्लान आई थिंक करण का था और मार्क का था, मिलके का इनिशिएटिव था इन लोगों का कि मैंने एक्चुअली बोला था कि कुछ चैरिटी करेंगे, मैं चाहती हूँ कि इसके बार बर्थडे पे कुछ चैरिटी करें, लेकिन इस लेवल की हम लोग करेंगे इस चीज़ की मुझे बिल्कुल। मैं सोशल वर्कर हूँ, आई एम अ पॉलिटिशियन, यूथ लीडर, सो जनरली मैं ऐसी चीज़ सोचता हूँ जिसमें लोगों का भला हो अनारा, और मेरा प्लान था कि इस बर्थडे उसके लिए कुछ स्पेशल किया जाए। स्पेशल करने के लिए ये होता है कि आप स्पेशल मीन्स क्या होता है मैं बताऊँ आपको, कि आप जो भी चीज़ करो लोग उसे फॉलो करें, लोग उसे अपने ऊपर अप्लाई करें और उसे आगे जाकर आपका आपके इनिशिएटिव को नाम दें। एज इट इज़ मैंने सोचा कि अनारा के बर्थडे में पार्टी करना है, दारू पीना, खाना खाना, बहुत सारा खाना वेस्ट होता है उसी पार्टी में, अगले दिन हो सकता है किसी का एक्सीडेंट हो जाए दारू पी के घर जाने से, या हो सकता है कुछ बुरा हादसा हो जाए। उससे बेटर मैंने सोचा लेट्स डू वन थिंग कि हम लोग एक ऐसा लाइक एक्टिविटी रखते हैं जिसे हम कह सकते हैं कि हेल्थ कैंप पार्टी, लाइक यू नो अनारा गुप्ता के बर्थडे पे हेल्थ कैंप पार्टी। इट्स ऑल्सो अगेन इट्स अ पार्टी, हमने केक काटा है, पूरी पब्लिक साथ में है, आप लोग साथ में हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त आए, अनारा के दोस्त आए, सो इट्स अ पार्टी, बट दिस इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ पार्टी जो किसी को गलत लाइक यू नो इफेक्ट करे या कुछ गलत असर हो उन पे। ये वो पार्टी जिसमें आपके हेल्थ, लाइक अगर मैं आपसे पूछूँ आपने अपना शुगर कब चेक किया था, आपको पता नहीं होगा, बट यहाँ अगर आप आई हैं आज इस बर्थडे पार्टी के लिए तो डेफिनेटली आप चेक कर रहे हैं। सो ये इनिशिएटिव है, मैं चाहूँ खुद के ऊपर अप्लाई करेगी, यस दिस इज़ द थिंग जो हमें करना चाहिए, लोगों का भला करना चाहिए, क्योंकि आप एक्टर्स हैं, आप जो करते हैं वो लोग करते हैं। अगर आपको लोग देख रहे हैं तो पहले आप उनका भला सोचिए, तब वो आपका भला सोचेंगे। डेफिनेटली मैं वैसे भी नॉर्मल डेज में भी उसे अप्लाई करता हूँ, मैं जनरली जो भी चीज़ें करता हूँ यूजुअली मैं सोशलाइज ही करता हूँ कि वो सोशली बहुत अच्छे से हो, वेल मैनेज्ड हो, पब्लिकली लाइक यू नो उसे अच्छी सी रिच मिले और वो दूर दूर तक लोगों तक पहुँचे। ऑफकोर्स पार्टीज तो होती रहती है, मेरा बर्थडे नहीं लेकिन दोस्तों के बर्थडे में तो पार्टी हो ही जाती है। हम लोग कल भी पार्टी कर रहे थे, कल चाट पार्टी थी संगीता के घर पे, तो ये अच्छी चीज़ है। और मैं अपने जैसे कि पहले कहा कि मैं बहुत ही पॉजिटिव फील कर रही हूँ और आई थिंक बहुत अच्छा वाला फीलिंग आ रहा है अंदर से, कितनी तेज़ बारिश हुई, कितना कुछ हुआ, लेकिन आई थिंक हमारे इरादे अटल थे और उसका नतीजा देखिए बहुत सक्सेसफुल है, बहुत सारे लोग आए हैं चेक करा रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है।